आप सबके माध्यम से भी आज उन पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, भाइयों बहनों का, मैं दिल से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। युवा मोर्चा के युवा रक्तदान कर रहे हैं, कोई गरीबों को फल बांट रहा है, कोई दवा बांट रहा है, कोई वृक्षारोपण कर रहा है। मेरे लिए दुआओं का दिन है, इसलिए मैं आप सबके बीच में आके थोड़ा दिन भर की बहुत व्यस्तता के बाद भी थोड़ा एकाग्र हो रहा हूँ, तो आप सबके बीच में आकर सच मानिए, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी माताओं बहनों के आशीर्वाद के साए के नीचे आप सबके बीच में आ गया हूँ। आज का दिन ऐसा है कि मुझे आज के दिन पर विपक्ष के लोगों ने भी, उन्होंने भी दुआ दी है, आशीर्वाद दिए हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक स्वस्थ हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक परंपरा है जिसे अपनाया जाना चाहिए, और उन्होंने भी बड़े स्नेह से आज मुझे अपनी शुभकामनाएं दी हैं, और निश्चित रूप से हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो दुआएं तो मिलेगी ही। यह उत्तराखंड की सनातन देवभूमि है, हमें यह संस्कार देती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका विकास होगा तो निश्चित है हमें दुआ मिलेगी, और दुआओं में अपनेपन की ताकत होती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस देवभूमि उत्तराखंड, जो विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है, आज पूरे विश्व के लोग उत्तराखंड को एक अलग प्रकार के नजरिए से देखते हैं। जबकि देवभूमि उत्तराखंड का नाम आता है तो लोगों का भाव, लोगों का मन श्रद्धा से भर जाता है, क्योंकि ये देवभूमि हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, और मैं आप सबके आशीर्वाद से इसका मुख्य सेवक हूं। देवी देवताओं के भी प्रथम सेवक के रूप में है, आप देवतुल्य जनता का प्रथम सेवक होने के नाते आपकी जो सेवा करने का मुझे आदेश हुआ है, या शायद मैं समझता हूं कि ऐसे ही नहीं मिल जाता है, मैं कहूं कि मैं बहुत काबिल हूं, उमेश भाई मैं कहूं कि मैं बहुत काबिल हूं, इसलिए मुझे मिल गया। मैं जानता हूं ये जब तक नहीं मिलता, जब तक हमारी माताओं बहनों की दुआ नहीं होती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होता है, नौजवानों का साथ नहीं होता है, भगवान की कृपा न होती है, इसके पीछे जरूर कोई न कोई ईश्वरीय ताकत होती है। मैं इतना जानता हूं कि मैं एक सेवा का माध्यम मात्र हूं, कोई न कोई शक्ति ऐसी है कि आप सोच रहे होंगे मैं सवेरे प्रातः काल 5 बजे हर दिन जागरण करता हूं, और 5 बजे से आपके बीच में आते आते आज अनेकों अनेक कार्यक्रमों में गया हूं, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे न तो इतनी सी प्यास लग रही है, न भूख लग रही है, न थकान लग रही है। इसके पीछे अगर मैं किसी का सबसे बड़ा रोल मानता हूं, सबसे बड़ा किसी को कारण मानता हूं, तो आप सबका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। मैं संस्कारों पर, भगवान पर विश्वास करने वाला, एक सनातन को मानने वाला, मैं देवी देवताओं का विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। हालांकि इस विषय पर मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, इन दिनों आप सब लोग देख रहे होंगे लोकसभा का चुनाव सन्निकट है, आजकल दक्षिण भारत में अनेकों नेता हैं, एक वहां के मुख्यमंत्री के बेटे वो लगातार हमारे सनातन पर टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे भी लगातार सनातन को इस तरह से माथोल उड़ाने का काम कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की संज्ञा दे रहे हैं, तमाम प्रकार के जो वायरल फीवर होते हैं उसकी संज्ञा दे रहे हैं, और काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भारत की भूमि है, यहां मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, और उन्होंने अपने धर्म को जबरदस्ती यहां थोपने आए, इसके बावजूद हमारा जो धर्म है वो कायम रहा, सनातन वो धर्म है जो हजारों साल पहले था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है, जो कभी न मिटा न कभी मिटेगा। और न ही हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं, सौगंध लेते हैं कि न कभी इसको मिटने देंगे, वो धर्म जरूर निपट जाएंगे जो इस पर अब कोई चोट करने का प्रयास करेंगे या किसी तरह से इसका माहौल उड़ाने का काम करेंगे, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। हमें अपने
हमने हमें अपने सनातनी होने पर गर्व है। सनातनी इस राज्य का, इस भारत देश का धर्म है, जिससे हर धर्म के लोगों को समाहित करने की क्षमता और परंपरा भी है। इसलिए सनातन का अपमान करने से पहले इसके बारे में जरा दो शब्द पढ़ लीजिए, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ। आज मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं करनी है, आज का दिन मेरा नहीं बल्कि आपका है, क्योंकि मैं आपसे हूँ, आपसे ही। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, और मैं कहूँ कि पुष्कर धामी आपसे है। आज का दिन आपके लिए मैंने कहा है कि आपके, इसलिए मुझे आपकी दुआएं हमेशा चाहिए। जब वो साथ साथ चलती हैं तो सुकून मिलता है, हौसला मिलता है। इस रक्तदान की प्रेरणा देने वाले भाई कुलदीप बडोला जी, मैं आपका आज दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि एक कठिन समय भी आज हमारे सामने है। आप देख रहे होंगे आजकल डेंगू की महामारी के कारण से बहुत सारे लोग हमारे बीच में से किसी न किसी रूप में आज उसके इन्फेक्शन की जद में आए हैं, कहीं ना कहीं संक्रमण की जद में आए हैं। उन सभी को हमारा ये रक्त कहीं ना कहीं जीवन देने का काम करेगा। मैं आप सबसे आज के इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि डेंगू को लेकर हम सभी लोगों को जागरूक रहना है और हमें आगे बढ़ के लोगों को जागरूक करना है। जहां कहीं पानी रुका हुआ है, गमलों में अगर कहीं पर गंदगी है, कहीं घर के आसपास कोई रुका हुआ है, तो नगर निगम की टीम को, मैंने स्वयं शहरी विकास की टीम को, नगर निगम के MLA को या स्वास्थ्य विभाग के लोगों को मैं लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, जिलाधिकारी के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अभी हमें बरसात का अंदाजा नहीं था कि बरसात जल्दी आ जाएगी इस बार, इसलिए सड़कों का कई जगह पर जो स्मार्ट सिटी के काम के कारण से भी जो सड़कें खुदी हुई हैं उन सड़कों पर भी पानी जमा हो गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने कहा है कि उन सभी जगह पर जो भी जो चाहे उसमें केरोसिन डाल रहा हो, चाहे अन्य कोई कीटनाशक डालने हो, वो सारे कीटनाशक डालें, और जैसे ही बरसात रुकेगी जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर बरसात के बाद हम इन सारे काम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे महामारी पर स्वतः ही लगाम लगेगी। लेकिन तब तक हम लोगों को जागरूक होके, जहां स्वयं जागरूक होना है, स्वयं के साथ साथ और लोगों को जागरूक करने का काम भी हम सबको करना है। मैं आज के दिन आप सबसे यह भी अनुरोध करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कठिन चुनौती के दौर में भी जो आज हमको महामारी के रूप में हमारे सामने आई है, हम इससे भी पार पाएंगे, हम कोरोना की महामारी से भी निकले हैं, इस महामारी से भी जल्दी हम सबकी एकता के कारण से, हम सबकी जागरूकता के कारण से, हम सबके सामूहिक प्रयास से हम इसमें निकलेंगे, और जो लोग इसके अतिक्रमण, इसके संक्रमण की जद में आए हैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग काम करेगा, हमारे अन्य विभाग काम करेंगे, सारे विभाग मिलकर हम लोग उन सबको भी इसकी जद से बाहर निकालेंगे। और एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, और हमारे भाई उमेश शर्मा जी ने एक यहाँ के बारे में जो एक बड़ा ये यहाँ पर आप सबके सामने रखा है, हमारा हर संभव प्रयास होगा इन सभी को अपनी आगे की घोषणाओं में सम्मिलित कर इन सबको अमली जमा पहनाया जाए, इसको धरातल पर उतारा जाए। पुनः एक बार आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे काला जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि काला जी हमारे बहुत शानदार यहाँ से, और आज ही नहीं, आज के अलावा पहले भी एक दिन इन्होंने एक कार्यक्रम का और संचालन किया था, मुझे ध्यान है चुनाव से पहले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।